हेलो एवरीवन, आज है 18 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अशोक लेलैंड के बारे में। देखिए, अशोक लेलैंड और ऑटो इंडस्ट्रीज को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा है और काफ़ी सारी अपडेट्स इसमें चल रही है। कुछ कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पिछले कुछ हफ्तों में अपडेट चल रही थी कि क्या ऑटो इंडस्ट्रीज में गवर्नमेंट की तरफ से कुछ स्टेप लिए जा रहे हैं कि नहीं, और हाल फिलहाल में जो क्लेरिफिकेशन सामने आया है वो भी जानना जरूरी है। तो वीडियो को शुरू कर उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अशोक लेलैंड में आज देखिए एक बहुत बड़ी गिरावट आई थी, लेकिन बाद में स्टॉक एंड ऑफ द डे थोड़ा बहुत संभला जरूर, और एंड फिर भी थोड़ा सा 0.50% की गिरावट के साथ ये क्लोज हुआ है। 59.65 रुपीज़ पर ये शेयर आज ट्रेड कर रहा है। प्रीवियस क्लोज इसका 59.95 था। आते ही जब मॉर्निंग में जब ये ओपन हुआ तब अच्छे पॉजिटिव में ओपन हुआ था, 60.35 तक ओपन हुआ था। हाई उसने 60.80 का बनाया था। बाद में स्टॉक में गिरावट आ गई क्योंकि एक न्यूज आ गई थी सामने और स्टॉक टूटा 57.45 रुपीज़ तक। तो वो न्यूज कौन सी थी? न्यूज ये थी कि पिछले काफी हफ्तों से जो चर्चा चल रही थी कि गवर्नमेंट की तरफ से ऑटोमोबाइल्स में शायद जीएसटी को में कट डाउन किया जा सकता है, ऐसी अपडेट चल रही थी। लेकिन हाल फिलहाल में मॉर्निंग में जो अपडेट आई थी वो कुछ इस तरीके से थी कि जीएसटी में कोई कट डाउन नहीं होने वाला है, ऑटो इंडस्ट्रीज में जीएसटी में कोई भी कट डाउन नहीं होने वाला है। इसी के लिए स्टॉक में एक बहुत बड़ी गिरावट आ गई, एक बहुत बड़ी गिरावट आ गई। लेकिन उसके बाद थोड़ा बहुत स्टॉक संभला जरूर और एंड ऑफ द डे क्लोज हुआ 59.65 रुपीज के ऊपर ये क्लोज हुआ है। पिछले एक महीने की बात करें तो देखिए हमें देखने को मिलेगा कि स्टॉक में काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन्स है, तेजी के बाद गिरावट और गिरावट के बाद तेजी भी है। 6.5% की गिरावट है। अब देखिए 57.95 रुपीज तक स्टॉक टूट चुका था और हाई भी उसने 66.75 रुपीज के करीब का बनाया है। और अगर पिछले एक साल की बात करें तब तो हालत और भी ज्यादा खराब है, 52% से ज्यादा की गिरावट है और स्टॉक टूट ही रहा है। बीच में जरूर इसने बाउंस बैक करने की कोशिश ये स्टॉक कर रहा है, लेकिन उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा है। 126 रुपए से गिरता हुआ आया है ये स्टॉक पिछले एक साल में। 3 साल का भी ये रिटर्न खा चुका है। 3 साल में भी अगर देखेंगे तो 26% की गिरावट है। 165 रुपए से टूटता हुआ नीचे आया है ये। यहां पर हम बात करेंगे तो मिड कैप स्टॉक है, 17,500 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में बात करेंगे तो 4.5 करोड़ जितना वॉल्यूम ट्रेड यहां पर देखने को मिल रहा है। नतीजे जो आए थे वो उतने अच्छे नहीं थे, बहुत ही ज्यादा गिरावट थी इसके नतीजे में। आप देखिए 64% की गिरावट थी नेट प्रॉफिट में, नेट सेल में 35% की गिरावट थी। 5,600 करोड़ का नेट सेल्स इनका हुआ था जबकि नेट प्रॉफिट सिर्फ 230 करोड़ का हुआ था। प्रॉफिट मार्जिन भी आप देखेंगे टूट रहा है, 9.45 का प्रॉफिट मार्जिन था जबकि वो पिछले क्वार्टर में 11.14 का हुआ करता था। तो दिक्कत यहां पर जरूर है इसके स्टॉक्स में, क्योंकि देखिए हाल फिलहाल में सारे ऑटोमोबाइल सेक्टर डाउन है, सारे ऑटोमोबाइल सेक्टर डाउन में और बहुत बड़ी गिरावट लेकर बैठे हैं। यहां पर अगर हम बात करें, अगर मैं सबसे पहले यहां पर बात करूं इनके डिविडेंड को लेकर, देखिए 310% का डिविडेंड है, पर शेयर आपको 3.10 रुपए मिल रहे हैं। अगर मैं मनी कंट्रोल में जा रहा हूं तो मनी कंट्रोल में अशोक लेलैंड को लेकर देखिए कुछ खासा अच्छा रिस्पांस नहीं है। हालांकि 10.16 का इसका पी है जबकि इंडस्ट्री पी 16 का है। डिविडेंड 310% का, जैसे कि मैंने आगे बताया आपको, बुक वैल्यू 28.38 की है, प्राइस टू बुक वैल्यू 2.10 की है, ईपीएस 5.87 का है, फेस वैल्यू जोन डिलीवरी 30.49 की है। और यहां पर अगर हम बात करेंगे कि अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 52% बाइंग रेटिंग है, 45% सेल है, 3% होल्ड रिकमेंडेशन यहां पर देखने को मिल रही है। और अगर हम बात करें अशोक लेलैंड की, देखिए नतीजे के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं, इनकी बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो देखिए अच्छी बैलेंस शीट है। मार्च 2018 में 612 करोड़ का इनके ऊपर कर्जा था जो इन्होंने कम कर दिया। मार्च 2019 में 400 करोड़ से भी कम का इनका कर्जा रह गया। तो बैलेंस शीट काफी बढ़िया इनकी दिखाई दे रही है। और अगर हम बात करें यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो देखिए प्रमोटर्स के द्वारा जो दिक्कत यहाँ पर थोड़ी बहुत पैदा हुई थी वो ये है कि प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 45.36% है। ठीक है, थोड़ी सी बड़ी है, पहले 45.35% हुआ करती थी, लेकिन प्रमोटर्स के द्वारा जो शेयर है वो गिरवी है, 6.66% की होल्डिंग गिरवी है, जो पहले 4.33% हुआ करती थी, उससे पहले 3.67% हुआ करती थी।
तो गिरवे होल्डिंग जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है यहां पर, तो ये एक जरूर दिक्कत इनके लिए बनी हुई है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट FIIs और FPIs की बात करेंगे तो उनकी होल्डिंग थोड़ी बहुत कम हो रही है, जो पहले 24.89% हुआ करती थी अब वो 21.67% तक है। इंश्योरेंस कंपनी ने हालांकि अपनी होल्डिंग इन समय इंक्रीज की है, इंश्योरेंस कंपनी और म्यूचुअल फंड दोनों ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। 1.92% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है, 6.24% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड्स के पास यहां पर देखने को मिली है, तो अच्छी खासी होल्डिंग यहां पर देखने को मिल रही है। हर लेटेस्ट अपडेट में अगर हम बात करें अशोक लेलैंड को लेकर, तो देखिए लेटेस्ट अपडेट कुछ इस तरीके से निकल के आ रहा है कि ट्रक मैन्युफैक्चर अशोक लेलैंड टू लॉन्च इलेक्ट्रिक व्हीकल। देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ये डेफिनेटली अपना कदम रखने वाले हैं और इसके लिए काफी ज्यादा इनकी पार्टनरशिप को लेकर भी बातचीत चल रही है, अलग अलग लोगों से इसके बात पार्टनरशिप को लेकर बात चल रही है। जैसे कि इंडियन ट्रक मैन्युफैक्चर अशोक लेलैंड इज रिपोर्टेडली टू इन टॉक विद द क्लच ऑफ द मल्टीनेशनल टू स्टार्ट अ जॉइंट वेंचर इन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्पेस। द लेलैंड इज लिस्ट पोटेंशियल पार्टनर इंक्लूड मैकलेन मारुबेन एंड SBI कैप वेंचर अकॉर्डिंग टू द मीडिया रिपोर्ट। देखिए इलेक्ट्रिक सेगमेंट में ये धीरे धीरे एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर इन्होंने एंट्री कर ली है करते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा मूव हम मानेंगे। तो हाल फिलहाल में जो चल रहा है ऑटोमोबाइल को लेकर तो वो उतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि देखिए CLSA जो बहुत बड़ी रेटिंग एजेंसी है सिसला, हैज नेगेटिव स्टॉक रेटिंग ऑन 70% ऑफ इट्स इंडियन ऑटो कवरेज। तो देखिए यहाँ पर CLSA ने नेगेटिव रेटिंग यहाँ पर देखने को मिल रही इंडिया इंडियन ऑटो में, और इसका रीजन भी है। रीजन यह है कि अगर आप देखने की कोशिश करेंगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को, तो इस यहाँ पर आप डेटा खुद देख सकते हैं कि पिछले एक साल में ऑटोमोबाइल कंपनी के जो स्टॉक्स हैं उसमें भारी गिरावट देखने को मिली है, भारी गिरावट, जिसमें सबसे पहले है अशोक लेलैंड। डेफिनेटली एक साल में ये स्टॉक 52% तक टूट चुका है, 126 रुपए से सीधा 60 रुपए तक आ चुका है। उसके बाद टाटा मोटर्स भी है जो 51% तक टूटा है, 150 रुपए से 122 रुपए तक आ चुका है। महिंद्रा एंड महिंद्रा वन ऑफ द लीडिंग ऑटोमोबाइल सेक्टर है की कंपनीज हम किसको कह सकते हैं, जिनकी बहुत सारी कार जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है, वो भी 45% तक टूट चुकी है, 950 से वो सीधा 520 रुपए तक आ चुकी है। मदरसन सुमी अगेन इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है जो ऑटो कंपोनेंट्स बनाती है, वो भी 190 से टूटकर 106 रुपए तक आ चुकी है, वो भी 44% की गिरावट। आयशर मोटर इसमें बहुत ही भयंकर गिरावट है, 43% तक टूट चुका है शेयर। आप देखिए 29,000 रुपीज का एक शेयर हुआ करता था, ये 28,900 रुपए का एक शेयर आज 16,280 रुपए तक आ चुका है। TVS मोटर कंपनी भी 590 से टूटकर 370 पर आ चुकी है। भारत फोर्ज वो भी 630 से टूटकर 390 रुपए तक आ चुका है। एक्साइड इंडस्ट्रीज बैटरीज बनाने वाली सबसे फेमस कंपनी, वो भी आज देखिए 260-270 से टूटकर 170 तक पहुंच चुकी है। बॉस अगेन बहुत बड़ी कंपनी, वो भी 20,000 रुपये से गिरकर 13,000 रुपये तक आ चुकी है। मारुति सुजुकी इंडिया 8,400 से गिरकर 6,130 पर आ चुका है, 27% तक टूट चुका है। अपोलो टायर वो भी 240 से टूटकर 170 तक। अमराजा बैटरी उसमें भी 20% की गिरावट। हीरो मोटरकॉर्प वो भी 17% की गिरावट। MRF वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज जिसे हम कह सकते हैं उसमें भी 15 से 16% की गिरावट है। बजाज ऑटो में उतनी ज्यादा गिरावट नहीं है, सिर्फ 0.02% की हल्की सी गिरावट है बजाज ऑटो में, तो बजाज ऑटो ने थोड़ा बहुत मेंटेन जरूर करके रखा है। तो आप देखिए कि ऑटोमोबाइल की जो दिग्गज कंपनियां हैं, और ये बात सिर्फ एक साल की है, सिर्फ एक साल में ये हालत हो चुकी है। सितंबर 2008 अगर हम बात करेंगे, 18 सितंबर 2018 की प्राइस को हम कंपेयर करें 17 सितंबर 2019 के साथ, एक ही साल में जो स्टॉक्स है वो आधे से भी ज्यादा टूट रहे हैं या आधे तक टूट चुके हैं। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में डेफिनेट दिक्कत काफी ज्यादा है, और उसका रीजन भी है कि देखिए लोगों की नौकरियां जा रही है, और तो और लोगों के पास पैसे नहीं है खरीदने के लिए। तो देखिए जो जब क्राइसिस आएगा, ठीक है जब क्राइसिस आएगा, इकोनॉमी स्लोडाउन होगी, तो उसमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज एक वो इंडस्ट्रीज है जिस पर सबसे ज्यादा इफेक्ट हमें पड़ता हुआ देखने को मिलेगा।
और अभी भी ये चीजें खत्म नहीं हुई है, अभी भी इसमें और ज्यादा फर्दर हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। रीजन उसका सिंपल है कि पिछले दो एक दो हफ्तों में तेजी आई थी, क्योंकि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद जीएसटी में कट डाउन हो सकता है और इसलिए स्टॉक ऊपर आ गया था, लेकिन अब वापस से न्यूज आ गई कि कट डाउन नहीं होगा, तो शायद उसकी थोड़ी बहुत इफेक्ट हमें देखने को मिलेगी बाकी सारे स्टॉक्स में। तो मैं यही कहूंगा कि देखिए क्वालिटी स्टॉक्स हैं उसमें अगर आपने खरीदारी की है और बहुत बड़े नुकसान में है तो पैनिक में आकर बेच कर निकलने की जरूरत नहीं है, आप वेट कीजिए, डेफिनेटली कुछ साल में वो बाउंस बैक जरूर करेगा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज कुछ साल में बाउंस बैक करेगा, टाइम जरूर लगेगा लेकिन बाउंस बैक जरूर करेगा ये। लेकिन हाँ, इसमें आने वाले दिनों में थोड़ी बहुत गिरावट भी हमें देखने को मिलेगी, तो उसके लिए भी हमें प्रिपेयर्ड होना जरूरी है। तो यही मैं कहूंगा कि हाल फिलहाल में ऑटोमोबाइल्स में अगर आपको शेयर्स कम लग रहे हैं तो जल्दबाजी में खरीदने की गलती बिल्कुल भी ना करें, वेट करें। डेफिनेटली ये स्टॉक और नीचे जाने की पूरी चांसेस हैं, तो जब और अच्छे नीचे जाए तब इसमें खरीदारी करने के लिए कोशिश करें। हाल फिलहाल में वेट करें और वॉच करें, यही एक बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो बाकी मर्जी आपकी है, अगर आपको लगता है कि आपको खरीदारी करनी है, आपको लगता है कि आपको रिस्क लेना है हाल फिलहाल में, तो आप अपनी मर्जी से ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज अभी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और तो और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में जो क्राइसिस चल रहे हैं उसको लेकर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको लेकर आपका क्या राय है, वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।